कम्युनिकेशन बहुत ही परफेक्ट रहा, राज्य सरकार की टीम भी बहुत ही प्रोएक्टिव भी थी, रिस्पॉन्सिव भी थी। मैं भी चुनाव की आपाधापी में बीच बीच में 1000 किलोमीटर दूर जब साइक्लोन था वहीं से मैं मॉनिटर करते आ रहा था और लगातार बीच में भी मैंने मीटिंग करके उसको भारत सरकार की टीमों को एडवांस में भेजने की व्यवस्था की थी। लेकिन केंद्र राज्य सरकार की टीमें और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट मशीनरी, यहाँ की ग्रासरूट लेवल की मशीनरी सब ने इतने कोऑर्डिनेशन से काम किया। दूसरा, मैं आज देशवासियों को भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उड़ीसा के नागरिकों ने और हमारे मछुआरे भाइयों बहनों सरकार की सभी सूचनाओं का पूरा पूरा पालन किया, वरना होता क्या है, हम कहेंगे मुसीबत आएगी घर खाली करो, कोई खाली नहीं करता। इस बार उड़ीसा के नागरिकों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, वो अभिनंदन के पात्र है, यहाँ के मछुआरे अभिनंदन के पात्र है। उसके कारण बहुत कम जान हानि हुई, वरना डर इतना लगता था पता नहीं क्या होगा। ऐसी विकट परिस्थिति में तत्काल जो काम है, पानी हो, बिजली हो, कम्युनिकेशन हो, हेल्थ के लिए आवश्यक जो भी आते हो उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं, उसके लिए जो भी आवश्यकता है नवीन बाबू ने बहुत अच्छा प्लान किया है, भारत सरकार उसमें उनके साथ रह करके सारी चीजों को आगे बढ़ा पा रही है। ह्यूमन रिसोर्स की जो आवश्यकता होगी वो भी मिलेगी, मैन एंड मशीनरी की दोनों की आवश्यकता, मैन मशीनरी मनी तीनों की आवश्यकता, इन सारी बातों को लेकर के हम साथ मिलकर के काम करेंगे और उन प्रायोरिटी। इसके साथ साथ आज मैंने पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन भी देखा है, गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और मैं एरियल सर्वे करके भी पूरी स्थिति का आकलन किया है। आने वाले दिनों में तत्कालीन व्यवस्था, रिलीफ पर रिस्टोरेशन, लेकिन एक लॉन्ग टर्म योजना और वो भी सभी तटीय राज्यों को लेकर के कैसे बनाई जाए, और उड़ीसा से मैंने कहा है कि आप थोड़ा इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए, उसमें भी जो उड़ीसा के लिए आवश्यक है उसको भी प्राथमिकता देंगे और बहुत अच्छी तरह से मीटिंग में सारे विषयों की चर्चा हुई है। साइक्लोन की खबर आने के तुरंत बाद भारत सरकार ने पिछले हफ्ते साइक्लोन आने से पहले 381 करोड़ रुपये निर्णय किया था ताकि तत्काल काम में आए। आज जो मेरी राज्य सरकार से बात हुई है तत्काल उनकी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए 1000 करोड़ रुपये और रिलीज किया जाएगा। दूसरा, भारत सरकार की टीम आएगी और पूरी नुकसान का असेसमेंट करेंगे और राज्य और केंद्र मिल करके उसमें भी भारत सरकार और क्या मदद कर सकती है उसके विषय में भी मैंने उनको आश्वासन दिया है और उसके लिए भारत सरकार तुरंत टीम भेजेगी। पीएमओ की टीम मेरे साथ आई है, वो आज रुकेंगे, वो भी इस परिस्थिति में क्या क्या काम कर सकते हैं वो भी इसको देखेंगे। मैं फिर एक बार उड़ीसा के नागरिकों को सचमुच मैं बहुत दिल से अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने सरकार के हर सूचना को माना। 12 लाख लोगों का शिफ्ट होना कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने थोड़ी तकलीफ झेल करके इस काम को किया उसके कारण, और जीवन बच गया तो इमारतें तो बाद में भी खड़ी हो जाएगी, जीवन बच गया ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है। जिन परिवारों ने अपने स्वजन को खोया है, हर मृतक व्यक्ति के लिए भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से 2 लाख रुपये, जो इंजर्ड हुए हैं उनके लिए 50,000 रुपये तक की पूरी सुविधा भी भारत सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप इसको राष्ट्रीय विपदा कहेंगे सर, नेशनल कैलामिटी। तो जदि आपण चाहते आईपीएल रु पैसा कमेबा आउ बहुत पैसा कमेबा ताले आपण गोटे भिडियो लिंक देइछे डिस्क्रिप्शन ले, आपण से भिडियो देखिपारे प्लस हालाप्ले एप्लिकेशन डाउनलोड करिपारे जोटा कि साइन अप कला माने 100 टका मिलिब पर रेफर रे 50 टका लखा मिलुछि। तो हालाप्ले जदि कोन जानिनाथि ताले भिडियो अछि डिस्क्रिप्शन ले पूरा फुल भिडियो देखि देई बुझिपारे आपण केमिति आईपीएल रु पैसा कमा।